हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएसडी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा टुडेज अवर टॉपिक इज रिसर्च मैथोलॉजी तो आज हम सीखने वाले हैं एमसीक्यू ऑन रिसर्च मैथोलॉजी जो कि ये मेरा सेकंड सीरीज़ है अगर आप मेरी पहली सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप मुझ आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को चेक करना होगा तो so, ये सेकेंड सीरीज़ का पार्ट है मैं आपके लिए चार सीरीज़ के लिए चार सीरीज़ के एम प्रोवाइड करने वाली हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से इज़ दैट जनरली द लेआउट ऑफ रिपोर्ट इंक्लूड अगर हम रिसर्च मैथोलॉजी करते हैं और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं द प्लिमिनरी पेजेस और इंट्रोडक्टरी पार्ट द मेन टेक्स्ट एंड मैटर और ऑल ऑफ़ द बु तो एक रिपोर्ट में ये सभी चीज़ें होती हैं इसलिए हमारे लिए राइट right ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द बॉ सेकेंड क्वेश्चन इज रिसर्च इज़ करेक्टराइज बाय डैश एक्टिविटी रिसर्च में कौन सी एक्टिविटी की जाती है रिसर्च जो रहती है वो हम किस तरीके से करते हैं हम पेशेंटली करते हैं केयरफुली करते हैं सिस्टमेटिकली करते हैं या फिर ऑल ऑफ द बाओ तो हम रिसर्च ये सभी के साथ करते हैं इसलिए हमारे लिए राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द बाओ थर्ड इज़ रिसर्च डैश द मैनेजर एफिशियसी अगर हम रिसर्च करते हैं तो मैनेजर एफिशंसी क्या होगी डिक्रीज इंक्रीज नॉट इफ़ेक्टेड और नॉन नन ऑफ द बा तो अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमारी मैनेजल एक्टिविटी या एफिशिएंसी हमारी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है डैश डाटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट और थ्रू सर्वे कौन सा डाटा एक्सपेरिमेंट या सर्वे के थ्रू कलेक्टेड होता है प्राइमरी सेकेंडरी बोथ और नन ऑफ द व राइट आंसर इज प्राइमरी अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द आइटम इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अगर सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सभी आइटम एक पॉपुलेशन को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं या उनका इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उससे हम क्या कहते हैं सैम्पलिंग सर्वे सेंसेक्स और नन ऑफ द बॉ तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं तो उसे हम सेंसेक्स कहते हैं हु ऑथर्ड द बुक मैंशन मेथड इन सोशल रिसर्च मेथड इन सोशल रिसर्च का ऑथर कौन है तो यहाँ पर ऑथर है गुडे एंड हैट रिसर्च इज़ एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक इंक्वायरी ऐसा किसने डिफाइन किया है मार्शल ने पी वी यंग ने ये एमोरी ने एमोरी ने बताया है ये रिसर्च इज साइंटिफिक अंडरटेकिंग ओपिनियन बाय रिसर्च इज़ साइंटिफिक अंडरटेकिंग ऐसा किसने बताया कि रिसर्च एक साइंटिफिक अंडरटेकिंग होनी चाहिए यंग ने क्लरिंग ने कोठारी ने या एमोरी ने तो यहाँ पे यंग ने बताया ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से रिसर्च के बारे में अलग अलग ऑथर्स ने बताया अ असिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलोइंग लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग इज कॉल्ड अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे लॉजिकल प्रोसेस रीजनिंग के साथ करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन डिडक्शन या फिर साइंटिफिक मेथड इसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड सोशल साइंस ट्राई टू एक्सप्लेन डैश बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल लॉ गवर्निंग डैम सोशल साइंस में क्या बताया जाता है ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल गवर नेचुरल लॉ ऑफ गवर्निंग के बीच में क्या होता है कैजुअल कनेक्शन रीजन इंटरक्शन या फिर ऑब्जेक्टिव तो सोशल साइंस में कैजुअल कनेक्शन के बारे में बताया जाता है सोशल साइंस रिसर्च डैश द प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है डायग्नोसिस करता है रिकमेंड करता है या फॉर्मुलेट करता है तो यहाँ पे राइट आंसर है डायग्नोसिस मीन्स सर्च करता है सोशल रिसर्च एम एट सोशल रिसर्च किस पर एम करता है इंटीग्रेशन सोशल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन सोशल इक्वेलिटी राइट आंसर इज इंटीग्रेशन रिसर्च इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डैश एंड मेथड रिसर्च किस बेसिस पे क्लासिफाइड की जाती है पर्पस के बेसिस पे रिसर्च अंडरटेक फॉर नॉलेज सेक इज रिसर्च जो सिर्फ नॉलेज सेक के लिए जाती है वो कौन सी रिसर्च होती है प्योर रिसर्च एक्शन रिसर्च पॉयलेट रिसर्च या फिर सर्वे उसे हम कहते हैं प्योर रिसर्च एग्जाम्पल फॉर फैक्ट फाइंडिंग स्टडी इज प्योर रिसर्च सर्वे एक्शन रिसर्च लॉन्ग टाइम रिसर्च एग्जाम्पल अगर हम फैक्ट फाइंडिंग मतलब कोई भी फैक्ट वर फाइंड करते हैं तो उससे हम कहते हैं सर्वे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन आर एनालाइज्ड एंड क्रिटिकल इवेल्यूएशन इज मेड इन फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जब हम इन एनालाइज करते हैं और उसका एक इवेल्यूएशन निकालते हैं उसका कोई रिजल्ट निकालते हैं तो उस ऐसी स्टडी को हम कौन सी रिसर्च कहते हैं सर्वे एक्शन रिसर्च एनालिटिकल रिसर्च या पॉयट रिसर्च इसे हम एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं रिसर्च के होते हैं टोटल पंद्रह टाइप अगर आपको रिसर्च के टाइप समझना है तो अगेन आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक करना होगा और उसमें आपको पता चलेंगे कि कितने टाइप के रिसर्च होते हैं और उन सबका मीनिंग क्या है रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम ऐसी रिसर्च जहाँ पे हमें तुरंत एक्शन चाहिए या तुरंत सोल्यूशन चाहिए तो ऐसे रिसर्च को हम क्या कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च एनालिटिकल रिसर्च सर्वे या फिर एक्शन रिसर्च तो ऐसी रिसर्च को हम कहते हैं एक्शन रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च का दूसरा नाम क्या है एक्शन रिसर्च सर्वे पायलट रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च इसे हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं रिसर्च रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कंसेप्ट इज एम्पेरिकल रिसर्च कंसेप्शनल रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या कंसेप्ट देख रहे हैं तो इसे हम कंसेप्शनल रिसर्च कहेंगे रिसर्च विच फॉलो केस स्टडी मेथड इज़ कॉल्ड जहाँ पे केस स्टडी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक कैजुअल एनालिटिकल या क्वालिटेटिव इन्हें हम कहते हैं क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक क्योंकि ये अलग अलग केसेस पे अलग अलग रिसर्च होती हैं और अलग अलग रिजल्ट आता है रिसर्च कंडक्टेड इन अ रूम क्लासरूम या किसी भी प्रकार का रूम एटमॉस्फेयर में अगर हम हमको रिसर्च करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं फील्ड रिसर्च सर्वे रिसर्च और लेबोरेटरी रिसर्च इसे हम लेबोरेटरी रिसर्च कहते हैं रिसर्च थ्रू एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड अगर हम ऑब्जर्वेशन करके या एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम क्लिनिकल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी या एम्पेरिकल उसे हम एम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं पॉपुलेशन सेंसेक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश रिसर्च अगर हम पॉपुलेशन सेंसेक्स से कोई चीज इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं उन्हें हम सर्वे कहते हैं द रोमांस ऑफ रिसर्च इज ऑथर्ड बाई एक बुक किसने लिखी थी रेडमैन एंड मोर्य ने लिखी थी द डैश इज अ वे टू सिस्टमेटिक सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम टेक्निक ऑपरेशनल रिसर्च रिसर्च प्रोसेस तो हमारे लिए टेक्निक कौन सी है रिसर्च मैथोलॉजी और रिसर्च मैथोलॉजी आपके सब्जेक्ट का नाम भी है गुड रिसर्च इज़ ऑलवेज स्लो फास्ट नैरो या सिस्टमैटिक गुड रिसर्च सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए न कि वो स्लो या फास्ट या नैरो मैथड से गुड रिसर्च इज डैश रिसर्च क्या है लॉजिकल नॉन लॉजिकल नैरो या सिस्टमेटिक अगर अच्छी रिसर्च है तो वो लॉजिकल होनी चाहिए क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च इज़ रिटर्न बाय ये बुक किसने लिख रही है क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च डेल्टा कपन जेम्स हारोड फॉक्स ने पी यंग ने या कॉल पॉपर ने तो ये लिखी है बुक जेम्स हारोड फॉक्स हो पे फ्रेंड्स आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई होगी अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आई और आपको और भी क्वेश्चंस जानने हैं तो आप थर्ड सीरीज़ देखना ना भूलें क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था मैं आपको टोटल रिसर्च मैथोलॉजीज़ पे फोर सीरीज़ अभी तैयार करने वाली हूँ और, और भी जैसे क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको कंटिन्यूसली सीरीज़ प्रोवाइड करती जाऊँगी थैंक यू फ्रेंड्स